हेलो दोस्तों, राजस्थान मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान मौसम की एक बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है। कई जिलों में तेज आंधी चली, जालौर में 13 mm बरसात आज दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है मौसम विभाग को लेकर। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी, तो वीडियो अंत तक बिना काटे पूरा देखना। साथ अगर आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट करें अपने क्षेत्र का नाम, ताकि हम हमारे नए वीडियो में आपके जिले या राज्य की मौसम की बिल्कुल ताज़ा जानकारी आपको दे देंगे। इसलिए अपने क्षेत्र का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही जो भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा उसका हम क्षेत्र का नाम जरूर लेंगे वीडियो में। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पश्चिम विक्षोभ के असर के कारण प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन शुरू हो गया है। शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी चली, वहीं कई भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के दर्जे की बरसात दर्ज की गई। सर्वाधिक 13 mm बरसात सायला जालौर में रिकॉर्ड की गई। वहीं राजधानी में शुक्रवार शाम 4 बजे मौसम बदलने लगा, तेज धूल भरी आंधियां चलने लगी, जिसके कारण दुपहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई। हवा की रफ्तार करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही, साथ ही कुछ इलाकों में हल्की बरसात भी हुई। राजधानी में कई साथ अन्य जगहों पर मौसम बदला है आज जयपुर के अंदर। तो दोस्तों वही पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र राज्य के ऊपर बना हुआ है। इसका असर आगामी 2 दिनों तक रहेगा। आगामी 3 दिनों के दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर कोटा संभाग के कई जिलों में कहीं कहीं थंडर स्टॉर्म के साथ हल्के दर्जे की बरसात व धूल भरी आंधी या अचानक तेज हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर्ज होने की संभावना है। 3 और 4 मई को केवल हल्के दर्जे का मेघ गर्जना होने की संभावना है। वही 5 और 6 मई को एक बार फिर थंडर स्टॉर्म बरसात गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों वही आपको बताना चाहते हैं, आकाश से बिजली गिरने से पिता और पुत्र की मौत। रायसिंह नगर आकाश से बिजली गिरने से शुक्रवार दोपहर सीमावर्ती गांव 37S निवासी 2 जोड़ों की मौत हो गई। क्षेत्र में दोपहर करीब 3 बजे मौसम पलट गया और आंधी और बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसी दौरान आकाश से बिजली गिरने से खेत में कृषि कार्य संदीप सिंह पुत्र निहाल सिंह और निहाल सिंह पुत्र नंद सिंह की मृत्यु हो गई। आकाश से बिजली गिरने से जोरदार धमाके से आसपास का इलाका दहल गया और लोग सहम गए। तो दोस्तों आज रायसिंह नगर में बिजली गिरी है, जिससे 2 लोगों की आज मौत होने की घटना सामने आई है। साथ ही राजस्थान के जिन जिलों का हमने नाम लिया है वहां पर अगले 24 घंटे में हल्की बरसात और धूल भरी आंधी चल सकती है, जिनमें बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, धौलपुर और कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्र शामिल है। तो दोस्तों आप भी रहे सावधान। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के बिल्कुल मौसम की बिल्कुल ताज़ा जानकारी जो मैंने आपको बता दी है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में अपने आपके जिले राज्य के मौसम की जानकारी हमारे द्वारा पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जिला राज्य का नाम जरूर कमेंट कर देना, ताकि हम अपने नई वीडियो में आपके जिला राज्य के मौसम की ताज़ा जानकारी आपको दे देंगे। साथ ही जो भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा उसके क्षेत्र की जानकारी हम जरूर देंगे। इसलिए वीडियो को 5 या 6 ग्रुपों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।